हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइस यानी कि पासा। डाइस से संबंधित जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं उनकी मैं आपको बहुत ही आसान सी शॉर्ट ट्रिक इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा, जीवन भर भी ये शॉर्ट ट्रिक आप नहीं भूलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में। और अगर आप चाहते हैं रीजनिंग मैथ जीके की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहें तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले रीजनिंग की जितनी भी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक है, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, डाइस यानी कि पासा पर आधारित आपके तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस पर आधारित, सामान्य पासा यानी कि जनरल डाइस पे आधारित, खुला पासा यानी कि ओपन डाइस पे आधारित। तीनों ही टाइप के शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, कभी भी जीवन भर नहीं भूलेंगे, ये मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस के बारे में जान लेते हैं। मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस होती क्या है? यदि किसी पासे के दो विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वह मानक पासा होता है। विपरीत सतहों का योग यानी कि जैसे 1 और इसके पीछे जो विपरीत सतह होगी इन दोनों का योग 7 होगा तो ये आपका मानक पासा स्टैंडर्डाइज होगा। 5 और इसके विपरीत सतह का योग अगर 7 होगा तो ये एक मानक पासा होगा। 3 और इसके विपरीत सतह का योग अगर 7 होगा तो ये एक मानक पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज होगी। अब कैसे पहचान करें कि ये एक मानक पासा है या मानक पासा नहीं है? तो इसकी पहचान करने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है। यदि किसी पासे के किसी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 के बराबर न हो तो वह मानक पासा होता है। यानी कि अगर मैं 5 और 1 को जोड़ूँ तो कितना आएगा? 6। 5 और 3 को जोड़ूँ तो आएगा 8। 3 और 1 को जोड़ूँ तो आएगा 4। यानी कि 6, 7, 8 और 4 आ रहा है, कोई भी निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं है, तो इसका मतलब ये एक मानक पासा है। समझ में आ गया? अब इस पे कैसे टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताऊंगा, कल की वीडियो में अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो डिस्कस करेंगे और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको ये पासा दिया गया था, ठीक है, और इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि 1, 3, 5 के विपरीत क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको बताया था कि किसी भी विपरीत सतह पता करने के लिए आपको क्या करना है, इसका जैसे हम मान लीजिए पूछा जा रहा है कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो आप 1 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाए, 6, तो इसका मतलब 1 के विपरीत 6 है। आपसे पूछा जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 में आप क्या जोड़ेंगे कि 7 बन जाए, 3 और में 4 जोड़ेंगे तो आपका 7 बन जाएगा, यानी कि 3 के विपरीत 7 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया था अगर किसी भी निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं आता है तो वो एक मानक पासा स्टैंडर्डाइज है, और किसी भी विपरीत सतह का योग करने पे अगर आपका 7 आता है तो वो आपका एक मानक पासा है। तो जब भी आपको किसी भी निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं मिलता है तो आप समझ जाइए कि अगर उसका विपरीत सतह पूछी गई है, यानी कि 1 की 3 की 5 की कोई भी पूछी जा सकती है, तो बस आपको उसमें वो नंबर जोड़ना है जिसको जोड़ते ही 7 बन जाए। 5 के विपरीत पूछा जा रहा है तो 5 में क्या जोड़ूँ कि 7 बन जाए, 5 में 2 जोड़ूंगा तो 7 बन जाएगा, यानी कि 5 के विपरीत 2 हो जाएगा। 3 में मैंने कितना जोड़ा, 4, तो 3 के विपरीत 4 हो गया। 1 में मैंने 6 जोड़ा तो 1 के विपरीत 6 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देखते ही सोल्व कर लेंगे। आप मुझे बताइएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी बची है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि कल फिर मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। चलिए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, सामान्य पासा यानी कि जनरल डाइस। यदि किसी पासे के किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वह सामान्य पासा होता है। अगर आपको कोई भी पासा दिया गया है उनका जोड़ के देखें और कोई भी निकटवर्ती दो सतह का योग 7 के बराबर आ गया तो वो जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा होता है, ठीक है। बस इस डेफिनेशन को इतना याद रखिए। अब इस पे आधारित दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 1, आपको दो डाइस दे दी जाएगी, ठीक है, और दो डाइस में आपको एक नंबर कॉमन दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे 6 दे दिया, इसमें भी 6 दे दिया, और आपसे किसी भी नंबर का विपरीत आपसे पूछ जाएगा, अपोजिट साइड पूछ ली जाएगी। पूछा जा सकता है 6 या 4 या 5 में कोई भी एक अपोजिट पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा पूरा वीडियो पे। अभी जो भी विपरीत संख्या दी गई होगी उसको
क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, जैसे 6, 4 और 5, 6, 4 और 5, फिर 6, 1 और 3, 6 और 1, 3, यह आपने लिख लिया। तो यहाँ पे आपको 4 का अपोजिट 1 मिल गया, 5 का अपोजिट 3 मिल गया, और ये 5 का अपोजिट 3 नहीं, 3 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 4, ये तो आप इतना तो समझ ही जाएंगे ना, ठीक है। यहाँ पे बचा 6, अब 6 का अपोजिट क्या होगा भाई, 6 का अपोजिट वो होगा जो अभी आपको नहीं दिख रहा है, आपको क्या नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा, तो 6 के अपोजिट आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। जो संख्या आपकी बच गई, जो नंबर आपका बच गया, वही आपका अपोजिट हो जाएगा, जो यहाँ पे कॉमन नंबर होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर 2 डाइस दी गई है और दोनों डाइस में कोई भी नंबर कॉमन है, तो कॉमन नंबर से आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरीके से, यानी कि 6 से 4, 4 से 5, 6 से 5 मत घुमाइएगा, ठीक है, इस तरीके से मत घुमाइएगा, क्लॉकवाइज 6 से 4 और 4 से 5, 6 से 1, 1 से 3, इस तरीके से। चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी भी 2 डाइस में 2 नंबर कॉमन हो, अब 2 डाइस आपको दे दी, एक ये वाली, और इन दोनों में आपके 2 कॉमन नंबर दे दिए, यहाँ पे देखिए 1 और 3 है, यहाँ पे भी 1 और 3 है, तो इसका मतलब अब आपको आपसे पूछा जाए कि 1 के अपोजिट क्या होगा, या 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, या 5 के अपोजिट क्या होगा, कुछ भी आपसे पूछा जाए, आपको देखना है कि 2 नंबर कॉमन है, 1 और 3, 1 और 3, बचे जो 2 नंबर 2 और 5, तो इसका मतलब 2 के अपोजिट 5 है और 5 के अपोजिट 2 है, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचे 1 और 3, 1 और 3 के बाद में दोस्तों कौन से 2 नंबर बचते हैं, 4 और 6, भाई पूरे डाइस में 6 नंबर होते हैं ना, 6 इन 6 नंबर में से आपको 2 मिल गया 5 मिल गया 1 और 3, बचे 2, तो 1 और 3 के अपोजिट आपके 4 और 6 हो जाएंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर 2 नंबर कॉमन दे दिए जाए तब कैसे करना है, 1 नंबर कॉमन होगा तो कैसे करना है, अभी प्रैक्टिस हम कल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़ें। दोस्तों ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, टेस्ट सीरीज आ गई है NTPC JEE और ग्रुप डी के लिए भी, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया मैंने लाइन से, शुरू में आपका NTPC का, फिर JEE का और फिर ग्रुप डी का है, आप वहाँ से ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का प्राइस 149 रुपीज़ रखा गया है, बट आप दोस्तों ओपन डाइस यानी कि खुला पासा, इस पे आधारित कैसे प्रश्न बनते हैं आप सबसे ईजी बताएंगे, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस वाले में आती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। बट मेरे दोस्तों प्लीज़ वीडियो को अभी छोड़ के मत जाइएगा, बहुत मेहनत से बनाता हूँ वीडियो, बहुत अच्छे तरीके से बनाता हूँ, बस अपना सपोर्ट लाइक करके जरूर दिखा दीजिएगा। ओपन डाइस का मतलब किसी भी पासे को खोलने पर निम्नलिखित मुख्यतः 4 स्थितियाँ प्राप्त हो सकती है, जब भी आप किसी पासे को खोलेंगे तो 4 स्थितियाँ प्राप्त हो सकती हैं आपको, इससे ज़्यादा कोई सी भी स्थिति नहीं प्राप्त होगी। यहाँ पर पहले वाली जो कंडीशन है ये है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, बस एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए, आप इस स्थिति को भी भूल जाएंगे, आप इन चारों को भी भूल जाएंगे, बस एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए, जब भी आपसे कोई भी विपरीत दशा पूछी जाए, कोई भी विपरीत पूछा जाए, मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है, पूछा जाए कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट आपका 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बीच में एक छोड़ के हम विपरीत लेते हैं। जब भी आपको किसी भी खुले पासे में विपरीत संख्या पूछी जाती है, विपरीत नंबर पूछा जाता है, तो आपको जो भी नंबर दिख रहा है उसको एक छोड़ के नेक्स्ट वाला उसका विपरीत होता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट ये है, तो इसका अपोजिट एक छोड़ के ये वाला हो जाएगा, और इसका विपरीत एक छोड़ के ये वाला हो जाएगा, समझ में आ गया। दूसरे वाली कंडीशन में भी यही है, इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा एक छोड़ के, इसका अपोजिट ये हो जाएगा और इसका अपोजिट ये हो जाएगा। और देखिए जिसका अपोजिट मैं बोल रहा हूँ ना, अगर ये इसका अपोजिट है तो भाई ये भी इसका अपोजिट है, ये चीज़ तो आप समझ जाइएगा, इतनी कॉमन सी चीज़ तो, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे वाला टाइप है ये वाला, अब इसमें आपका देखिए, इसमें इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा और इसका अपोजिट ये हो जाएगा। आपको अगर ये चीज़ कन्फ्यूजिंग लग रही है तो अभी थोड़ा सा वेट करिए, 10-15 सेकंड के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आप आंसर खुद बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब टाइप 4, यहाँ पे देखिए इसका अपोजिट ये है, अगर पासे को इस तरीके से खोला जाए इसका अपोजिट ये हो जाएगा और इसका अपोजिट ये हो जाएगा। चलिए अगर कोई भी स्टूडेंट कन्फ्यूज हुआ है तो टेंशन मत लीजिए, अभी क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये वाला ओपन पासे का, खुले पासे का 1 है, अब यहाँ से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, 1, 2, 3 का विपरीत क्या होगा। अब अगर आपको 1 का विपरीत पूछा जा रहा है दोस्तों, खुद बताइए कि क्या विपरीत होगा। मैंने बोला ना एक छोड़ के, तो इसका एक छोड़ के भाई ये होगा ना 5, तो 5 इसका राइट आंसर। आपसे जब भी एग्जाम होगा ना तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये 2 का, 3 का, 4 का बताइए, सिर्फ 1 का पूछा जाएगा, कोई भी एक पूछा जाएगा, 2 का विपरीत सिर्फ 2 का, तो आपको क्या बताना है, 2 का 1 छोड़ के ये बता देना है 4। पूछा जाए 3 का, तो 3 का भाई 1 छोड़ के बता दीजिए ना 6 है,
तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके ओपन पासा से बनते हैं। समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक करिए फटाफट। अब देखिए एक टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है। आपको क्वेश्चन ये दे दिया जाएगा, चार ऑप्शन दे दिए गए और पूछा जा रहा है अगर इस पासे, इस खुले पासे को मैं बंद कर दूं तो कौन सा पासा इनमें से बनने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर इस खुले पासे को मैं बंद करके रख दूं तो कौन सा पासा इनमें से बन के आएगा, ये आपको बताना है। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनका अपोजिट देख लेते हैं। चार का अपोजिट छः, ये मैंने लिख लिया। एक का अपोजिट तीन, ये भी मैंने लिख लिया। दो का अपोजिट आपका पाँच होगा, तो ये भी आपने लिख लिया। ठीक है, अब भाई यहाँ पे देखिए कौन सा आपको साथ में नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो अपोजिट है वो साथ में तो नहीं दिख सकता भाई। चार और छः एक साथ में नहीं दिख सकते, एक और तीन एक साथ में नहीं दिख सकते, दो और पाँच भी एक साथ में नहीं दिख सकते। अगर यहाँ पे मैं देखूँ एक और तीन पहले में, एक और तीन साथ में दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो कभी आंसर बन ही नहीं सकता। फिर आपका देखें यहाँ पे दो पाँच और दो, दो और पाँच भी साथ में दिख रहे हैं, तो ये भी कभी आंसर नहीं बन सकता। फिर यहाँ पे आपका चार और छः भी साथ में दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं बन सकता। अब आती है क्वेश्चन ऑप्शन फोर की, तो ऑप्शन फोर ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देख लीजिए कोई भी साथ में नहीं दिख रहा। चार और छः साथ में दिख रहे, एक और तीन साथ में दिख रहे, दो और पाँच साथ में दिख रहे, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझे आप इस क्वेश्चन को? अगर कभी भी खुले पासे को बंद करने के बाद में पूछा जाए कि इन चारों में से कौन सा पासा बन जाएगा, तो आपको ये देखना है कि जो अपोजिट मैंने लिखे हैं यहाँ पे वो साथ में नहीं होने चाहिए, क्योंकि भाई अगर चार छः के अपोजिट है, इसके विपरीत है, तो ये कभी इसके साथ में नहीं आ सकता, इसके विपरीत आएगा। एक अगर तीन के अपोजिट है तो एक और तीन कभी ऐसे नहीं दिखेंगे, एक के पीछे तीन होगा ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो पासा बनेगा जो इन तीनों में से कोई भी साथ में नहीं आएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन फोर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक टाइप का ये बनता है दोस्तों, इसमें आपके देखिए नंबर्स पे तो बनते हैं, अल्फाबेट में भी बन जाते हैं, और कभी कभी ये आपके फिगर पे भी बन जाते हैं। यानी कि आपको फिगर दे दी जाएगी कोई भी छोटी छोटी, जिसमें आपको सेब अमरूद कुछ भी दे सकते हैं, उनमें भी आपको पूछा जाता है कि उसके विपरीत क्या होगा। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि इसको क्लोज करने के बाद में इस खुले पासे को कौन सा पासा बनेगा, तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना है। ठीक है, या फिर आपसे पूछ ले कि डी का अपोजिट क्या होगा, तो डी का अपोजिट एफ होगा। आपसे पूछ ले कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट आपका सी हो जाएगा। बी का अपोजिट क्या होगा, तो बी का अपोजिट आपका ई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बताने होते हैं। अब देखिए यहाँ पे डी का अपोजिट आपका एफ है, ए का अपोजिट सी है, बी का अपोजिट ई है। अब यहाँ पे फिर से आपको वही देखना है कि कोई भी जो भी यहाँ पे विपरीत लिखे हैं ये साथ में नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे देखा मैंने सबसे पहले सी और ए, सी और ए आपका साथ में आ गया, यानी कि ए और सी, सी और ए साथ में आ रहा है, तो इसका मतलब भाई पहले वाला तो राइट आंसर नहीं बन सकता। दूसरे वाला मैंने देखा, यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में बी एफ और ए, बी और एफ ए कोई भी साथ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बी और सी आपका साथ, सॉरी बी और ई साथ में आ रहा है, तो ये भी बी और ई साथ में है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे फिर आपका डी और एफ साथ में आ रहा है, डी और एफ साथ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं बन सकता। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में यही सब टाइप के क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो सबसे पहले तो लाइक करिए, कोई भी अच्छा सा कमेंट करिए, कोई आपका डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के आइकन को जरूर ऑन करिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम पर जाइए, टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारी PDF वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपने टॉपिक स्टडी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है और मुझे आप फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, तो सौरभ मलिक 17 के और सौरभ मलिक के नाम से सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।